तो ये इंशाल्लाह इस दफा बिल्कुल पक्का होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उज़ैर अहमद है और मेरे साथ दो मेंबर और हैं, मोहम्मद मुज़म्मिल ज़िया और मोहम्मद इर्तज़ा। हमारे जो प्रोजेक्ट का टाइटल है वो है कार रेस गेम, और इस गेम को हमने इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि हमारे पास एक फ्रेम होता है जिसमें हमारे पास एक कार होती है। अब हमें करना क्या होता है कि सामने से कॉइंस भी आ रहे होते हैं और ब्लॉक्स भी आ रहे होते हैं, तो कॉइंस को हमें कलेक्ट करना होता है और ब्लॉक से बचना होता है। जैसे ही हमारी कार ब्लॉक को हिट करेगी तो हमारा गेम ओवर हो जाएगा, और जितने ही हम कॉइंस कलेक्ट करते जाएंगे तो हमारे पॉइंट्स बढ़ते चले जाएंगे। तो हमने जो कॉइंस को जो हमने शो किया है, यानी वो हमने C3 से, और उसका नेम हमने C3 रखा है, और जो ब्लॉक्स हैं उसको हमने उसका नाम हमने BB रखा है। तो हमें यानी कि C3 कलेक्ट करने हैं और BB से बचना है। सबसे पहले हमने एक वेलकम पेज बनाया, वेलकम पेज में हमने अपने प्रोजेक्ट का टाइटल जो है वो प्रिंट करवा दिया, और हमने एक और मैसेज प्रिंट करवाया कि यानी यूजर जो है हमने यूजर से कहा कि वो कोई भी की प्रेस करे जिससे उसका गेम स्टार्ट हो जाए। और ये हमने ये जो मैसेज जो प्रिंट होके आ रहा है वो हमने console.set cursor पोजीशन से हमने ये मैसेज प्रिंट करवाया है। इसको हमने एक्स और वाई को सेट करके जिस तरीके से ये शो हो रहा है, तो हमने एक्स और वाई को सेट करके ये मैसेज शो करवाया है। फिर हमारा पेज ये उस वक्त रुका रहेगा क्योंकि हमने console.readline लगाया हुआ है, तो हमारा ये प्रोग्राम हमारा इंतजार कर रहा है कि जैसे ही यूजर कोई की प्रेस करे तो वो नेक्स्ट पेज पे चले जाए। अब जैसे ही यूजर कोई की प्रेस करता है, एंटर प्रेस करता है जो भी, तो वो नेक्स्ट पेज पे चले जाएगा क्योंकि हमने console.clear लगाया हुआ है, तो वो वाला पेज क्लियर हो जाएगा और नेक्स्ट पेज जो है हमारे सामने प्रिंट होके आ जाएगा। नेक्स्ट पेज पे हमने यूजर से नेम इनपुट करवाया और उसको एक इंस्ट्रक्शन दे दी कि आप जो है वो कलेक्ट करें C3 और अवॉइड करें BB से, क्योंकि जो C3 है वो कॉइंस हैं और जो BB है वो ब्लॉक्स हैं, तो C3 को कलेक्ट करने से हमारे पॉइंट्स वो इंक्रीज होंगे और जो BB है उसे हमारी कार हिट होने से हमारा गेम ओवर हो जाएगा। ये भी हमने console.set cursor पोजीशन से हमें ये सेट किया क्योंकि जिस तरीके से प्रिंट हो रहा है ये एक्स और वाई को सेट करने से इस तरीके से प्रिंट होके आ रहा है। फिर हमने इसके बाद फाइलिंग वगैरह की। फाइलिंग में हमने जो यूजर से नेम इनपुट लिया था तो वो हमने सेव करवाया। फिर आगे लूप वगैरह चलेंगे उसमें, अब आगे से कंटिन्यू करेंगे मोहम्मद मुजम्मिल जी का। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुजम्मिल है। इसके बाद हम एंटर दबा देंगे तो ये नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा जो हमारा गेम है, एक्चुअल गेम है। गेम हमारा ऐसा है कि हमने मेथड्स यूज़ किए हैं फ्रेम बनाने के लिए, उसके बाद कार बनाने के लिए, और जो कॉइन्स आ रहे हैं वो बनाने के लिए, और जो ब्लॉक्स हैं वो भी बनाने के लिए। और मेथड्स के अंदर हमने पैरामीटर यूज़ किए हैं जो इनपुट दिए हैं तो उसकी वजह से वो आ रहे हैं। तो उसके बाद जो है हम ये एक वाइल का लूप बना के हमने इसको सारे पैरामीटर्स को मेथड्स को कॉल करवा लिए। कॉल करवाने के बाद हमारा जो बार बार ये चले जा रहा है चले जा रहा है, तो और ये जो हमारे कॉइन्स और ब्लॉक्स हैं इनको हमने इस तरह से किया है कि इनका एक्स और वाई जो है एक एरे के अंदर यूज़ किया है सेव करके, और उसका वाई जो है हर दफ़ा इंक्रीमेंट कर दिया ताकि वो नीचे नीचे आता रहे, और इसका एक्स जो है वो हमने रैंडम नंबर से यूज़ किया है ताकि रैंडम नंबर जो है वो इसको जनरेट करे, तो ये हर दफ़ा नई पोजीशन से आए, तो यह नई पोजीशन से आता है हर दफ़ा। तो इस जो अब हमारा जो वाइल लूप चल रहा है वो चले जा रहा है, तो वाइल लूप जो है वो तेज़ चलता है थोड़ा, और वो बार बार चलता रहता है। तो उसको थोड़ा स्लो करने के लिए हमने थ्रेड डॉट स्लीप यूज़ किया है, उसको 0.5 सेकेंड पे हमने सेट कर दिया है, तो वो 0.5 सेकेंड के लिए फ्रीज हो जाता है फिर चलता है, और इस तरह से पूरा गेम चल रहा है। और कार की जो मूवमेंट है वो हमने एरो की से लगाई है ताकि वो हम मूव कर सकें चारों तरफ। इसके अलावा जो हमारा स्कोर है, स्कोर को हमने कार गेम के बाहर की तरफ प्रिंट करवाया हुआ है, स्कोर 5 है भाई अभी हमारा, तो वो अब 6 हो गया क्योंकि हमने कॉइन ले लिया। ये सारी चीज़ें हमने इफ और एल्स यूज करके किए हैं कि अगर कार का एक्स वाई कॉइन के एक्स वाई से टकराए तो
स्कोर बढ़ जाएगा, अगर बी के एक्स वाई से टकराएगा तो गेम ओवर हो जाएगा, जैसे अभी गेम ओवर होगा, टकरा के देखते हैं, ये टकराया, गेम ओवर हो गया। गेम ओवर होने के बाद हमने क्लियर कर दी स्क्रीन, स्क्रीन क्लियर होने के बाद हमारे पास ये लिखा हुआ आ रहा है गेम ओवर। तो ये हमने कंसोल डॉट सेट कर्सर पोजीशन से यहाँ पे इस तरह सेट किया है एक्स और वाई, और गेम ओवर लिख दिया। फिर हमने स्कोर प्रिंट कर दिया उसके नीचे कि आपका स्कोर 7 था, और इसका कलर हमने फोरग्राउंड कलर ग्रीन कर दिया ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। फिर हमने यूज़र से पूछ लिया कि आप क्या इनपुट करना चाहते हैं, दोबारा खेलना चाहते हैं या नहीं। तो दोबारा खेलना चाहते हैं तो एच दबाएं, वरना कोई और की दबा दें। तो हम कोई और की दबा देंगे क्योंकि हमें दोबारा नहीं खेलना, ये कन्फर्म कर रहे हैं कि दोबारा एच की दबा दें रिस्टार्ट करने के लिए। तो अब ये हमारी जो पेज 5 है इस पर हमारा कॉन्ग्रेचुलेशन अ न्यू हाई स्कोर, हाई रिकॉर्ड, और साथ में हमारा नेम भी प्रिंट हो रहा है। तो इस पे हमने ये किया है कि जब भी हमने जो पिछले तो जितनी भी दफ़ा खेला है गेम, उसको हमने एक फाइलिंग में सेव कर लिया, जितना भी स्कोर था, फर्स्ट टाइम का स्कोर, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, सारे स्कोर हमने सेव कर लिए। सेव करके हमने ये किया है कि उनको सेव कर लिया, फिर जब हमारे ये वाला पेज चल रहा है तो हमने उसको दोबारा से सबको रीड कर लिया। रीड करके हमने देखा कि कौन सा हाईएस्ट है। अगर अभी वाला हमारा स्कोर सबसे हाईएस्ट है तो हम ये वाली लाइन प्रिंट कर देंगे कि कॉन्ग्रेचुलेशन अ न्यू हाई स्कोर 7, और साथ में प्लेयर का नाम भी हमने प्रिंट कर दिया हसन। अगर यूज़र का स्कोर होता सबसे लोएस्ट, जैसे 0 या 1, तो फिर यहाँ पे हम इस प्रिंट करते कि इट वॉज द लोएस्ट स्कोर, और साथ में नाम प्रिंट आ जाता हसन करके। फिर इसके बाद हम एंटर दबाएंगे तो ये आगे चला जाएगा और ये हमसे पूछेगा कि आपको सारे स्कोर देखने हैं अगर, तो आप ऑल इनपुट कर दें, ऑल लिख के इनपुट कर दें। इसको हमने इस तरह से किया कि हमने जो फाइल रीड की थी जिसमें हमारी पूरी मेमोरी थी, सारे स्कोर्स थे, तो वो रीड करके हमने सेव कर लिए एरे के अंदर। अब यूज़र अगर ऑल करके इनपुट कर, ऑल लिख के इनपुट करेगा तो वो जितने भी स्कोर थे पिछले वो सारे के सारे प्रिंट हो जाएंगे। तो इससे हमारा फाइलिंग यूज़ करने से फ़ायदा ये हुआ कि हमारी एक मेमोरी बन गई, कि गेम की हमारी मेमोरी बन गई कि जितनी भी दफ़ा खेला जाएगा तो वो सारे सेव होते रहेंगे स्कोर्स, सारे स्कोर सेव होते रहेंगे, और फिर वो हम कभी भी चेक कर सकते हैं कि हमने क्या क्या स्कोर किए थे, कितनी दफ़ा खेल चुके हैं, ये सब कुछ हमारा सेव हो जाएगा। तो ये हमारा प्रोजेक्ट था पीएफ का फाइनल, और यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट खत्म है। शुक्रिया।